भूखे हैं यहाँ और सभी यहाँ आए हुए हैं। सब हम लोग बड़ी दुखी से और सब सबका घर में चूल्हा जा ही नहीं रहे हैं। अभी भारत में दीपावली के सब हर कोई हर घर में दीपावली की दीप जला रहे हैं, लेकिन हमारे घर में चूल्हा तक ही नहीं चल रहा है। ये हम भी भारत के नागरिक होने के नाते हमारे जो मांगे पूरी नहीं होने से भी हम लोग कम से कम चावल तक तो हमें दीजिए, भारत सरकार से निवेदन करती हूँ। और हम लोग को अभी रिपोर्टेशन तो प्रोसेस चल रहा है, हम उसको मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी जा रहे हैं वो अभी तक ही हम लोग के मांगे पूरी भी नहीं हुए। हम लोग यहाँ रहते हुए 22 साल पूरे हो चुकी है, लेकिन हमारे कोई सुनने वाला नहीं है और उल्टा ही हम लोग को भूखे से मिजोरम में रिपोर्टेशन जाना पड़ रहे हैं। इसी कारण हम लोग भूखे इतना एक महीना हो गई है, हम लोग को किसी का घर में ज्यादा ही चूल्हा नहीं जल रहा है। इसी खाली पेट से हम लोग को मिजोरम वापिस जाने के लिए सेंट्रल सरकार ने हमको फोर्स कर दिया गया है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भारत सरकार को कम से कम हम लोग को चावल तो खाने के लिए चावल तो दे दीजिए। और हम सब लोग यहाँ महिलाएं अपने बाल बच्चे को छोड़कर बुजुर्ग लोग भी हैं और बुजुर्ग लोग सब लोग आए हुए हैं और महिलाएं बाल बच्चे को छोड़कर हम लोग यहाँ अपने सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाने के लिए और भारत सरकार से हम निवेदन कर रही हैं। और हम भी ऐसे है कि हम भी इंडियन के हैं, जो भारत के संविधान में लिखे गए उसी के अनुसार हमने स्वतंत्रता अधिकार है और हम सब अपना अपना जीवन यापन करने के यहाँ स्वतंत्रता दिया गया है और उसी के चलते हम यहाँ अपने मांग की पूरी नहीं होने के कारण हम मांगे पूरी करने के लिए यहाँ सब लोग डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए हैं। और हम लोग सब ऐसे ही महिलाएं पुरुष है, हम लोग जब तक भारत सरकार ने हमको खाने के लिए चावल ना दे दे तब तक हम लोग यहाँ सब बैठने के लिए हम सब दिन रात भर तैयार है। इसलिए हमारे जो समस्याएं हैं, हमारे जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए हमारे भारत सरकार भी हमें ध्यान दीजिए और हमारे मांगे हमारे समस्या हमारे जो भी मांगे है उसको पूरी करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम भी भारत का नागरिक होने के नाते जो भारत के संविधान में लिखे हुए के अनुसार हम लोग भी मांगे कर रहे हैं उसी को पूरी करने के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ। कम से कम अभी दीपावली के अवसर पर हमारे रियांग जनजाति के लिए भी एक दीप जला